दोस्तों आरबी मॉरल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक शॉर्टकट बनाने वाले हैं जिसका यूज करके जो है अपने वर्क को और भी फास्ट कर सकते हैं। जो कोई भी डिजाइन बनाने में हमारा समय जो नष्ट होता है वो इमेज को लाने में नष्ट हो जाता है और सर्च करने में। जैसे मान लो अगर आप कोई इमेज कहीं सेव कर रखे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन हो जैसे कि आप डेस्कटॉप पर रखें, क्लिक करें और वहां तक पहुंच जाए। जैसा कि मैंने यहां पर पहुंच गया, देख सकते हैं आप कि ड्राइव में फोल्डर मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है। इसके अंतर्गत जो है यहां पर PSD का एक फोल्डर मिल जाता है। इसके अंदर भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग जो है फोल्डर के अंदर फोल्डर इस तरीके से बनाकर सेव कर देते हैं, तो उनके लिए ये तरीका जो है सही हो सकता है। शॉर्टकट बना लें डेस्कटॉप पर और उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप उसी फोल्डर में पहुंच जाएंगे। अगर बाद में भी इस फोल्डर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, जैसे पहले मैं इसमें आप सभी को दिखा देती हूं, यहां पर आप देख सकते हैं केवल PSD यहां पर फाइल देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। हमारा जो मेन फाइल है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कुछ और। कोई ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ मैटर जो है और ऐड कर लेते हैं डाउनलोड फोल्डर में। तो डाउनलोड ओपन किया, अब इसमें हम एक ये टैबलेट रख देते हैं, दूसरा कैमरा रख देते हैं, इस तरीके से इस इमेज को भी रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस फोल्डर में 3 इमेज जो है और ऐड कर दिया है। अब हम सब चलेंगे डेस्कटॉप पे, जो शॉर्टकट बनाया है उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इमेज इसमें भी ऐड हो गया है, जबकि मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी लोग कैसे सेट करेंगे, उसके लिए हम विंडोज ई बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो है आपकी फाइल ओपन हो जाती है। अब जिस भी फोल्डर में आपका फोल्डर हो, जिस पर भी बनाना हो, जैसे मान लो हम सब ई ड्राइव में जाते हैं और डाउनलोड का तो मैंने बना लिया है। अब मैटर में आते हैं, मैटर के अंतर्गत हमारे पास कोई अदर फोल्डर इसमें नहीं है। डी ड्राइव में देख लेते हैं कोई इस तरीके से फोल्डर है जिसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर है। तो डी ड्राइव ओपन किया और DCIM ओपन कर लेता। इसमें आप देख सकते हैं कैमरा है, वीडियो है। तो अगर आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो पहले आप इसको कर लें ओपन और यहाँ पर जो है आप क्लिक करें, तो ये आपको डी का जो है लोकेशन देखने को मिल जाता है। इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें, उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर न्यू के अंतर्गत आपको मिल जाता है शॉर्टकट, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से URL उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के साथ ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कैमरा रखें, आप अपने हिसाब से जो है नेम एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा है तो कैमरा ही रखते हैं। फिनिश पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है शॉर्टकट का फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब इस फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक जो है अपने DCIM फोल्डर में पहुंच जाएंगे। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मैटर डी में है कि सी में है कि किस फोल्डर में है, ये सभी चीजें आपको ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आप अपने वर्क में जो है समय बचा सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी हम सब और देख लेते हैं। तो फोटोशॉप ओपन करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोशॉप का जो है लाइव क्लास एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त से रात्रि 8:50 से। तो जिन दोस्तों की रुचि है लाइव क्लास करके फोटोशॉप सीखने की, वो शीघ्र ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस यानी टूल्स प्लस डिजाइन सिखाया जाएगा। 30 दिनों का लाइव क्लास रहेगा, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी आप सभी को मिलने वाली है और उसका फी जो है वो $499 है। तो अगर आपकी इच्छा लाइव क्लास करके फोटोशॉप सीखने की है तो शीघ्र ही बैच ज्वाइन करें, और फ्री में अगर आपको सीखने की इच्छा है तो RV मौर्य चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में फोटोशॉप सीख सकते हैं।